सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सरदार शहर की नायब तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी के साथ वकीलों द्वारा किए गए कथित अभद्र व्यवहार को लेकर आज सुजानगढ़ में उपखंड अधिकारी को दो अलग अलग ज्ञापन सौंपे गए हैं। मारवाड़ी युवा मंच की स्थानीय शाखा द्वारा प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर नायब तहसीलदार के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपते वक्त सुनीता रावतानी, मनोज शर्मा, योगेंद्र भोजक, अमरचंद चौधरी, प्रकाश मायज, रूपा प्रजापत, कवि अरविंद विश्वेंद्रा सहित अनेक लोग मौजूद थे। मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर शर्मिला सोनी ने उपखंड अधिकारी को बताया कि जल्द ही इस मामले में समुचित कार्रवाई की मांग उनका संगठन करता है। इसी प्रकार श्रीमेड क्षेत्रीय स्वर्णकार समिति द्वारा भी उपखंड अधिकारी को अध्यक्ष अरविंद सोनी के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नायब तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इस दौरान केसरदेव धुपड़, पुसरा सोनी, सोनलाल प्रकाश सोनी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आप भी देखिए किस प्रकार से प्रतिज्ञा सोनी का पक्ष लेकर लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। आज मारवाड़ युवा मंच सुजानगढ़ शाखा और सखियां के संयुक्त तत्वावधान में जो सरदार शहर की नायब तहसीलदार श्रीमती प्रतिज्ञा जी सोनी, जिनके साथ बहुत ही एक विशेष दल के द्वारा, मैं कहूँगी वकीलों के एक जो विशेष दल है उसके द्वारा, उस महिला को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और उसको ऐसी गालियां दी गई जो कि बताने लायक भी नहीं है और बहुत ही अभद्रता से उनके साथ पेश आए। इसके विरोध में जगह जगह पूरे राजस्थान में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने भी यहाँ सुजानगढ़ में अभी ये ज्ञापन उपखंड अधिकारी जी को दिया है ताकि वह भी कुछ, हालांकि उपखंड अधिकारी और तहसीलदार सभी साथ मिलके इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ तक मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए इसके माध्यम से। डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी डिमांड यही है कि जो भी दोषी है उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई भी ऐसी हिमाकत नहीं कर सके, किसी महिला के साथ ऐसी अभद्रता न कर सके। अगर समुचित कार्रवाई नहीं पाती है तो क्या संगठन की गतिविधि रहेगी? समुचित कार्रवाई नहीं पाते हैं तो जो भी आगे का हमारा कार्यक्रम होगा, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या कोई रैली हो, जिस तरह से भी हम इसका विरोध करेंगे, एक महिला के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कभी ना कभी तो जरूर इसका असर होगा। सरदार शहर में कार्यरत नायब तहसीलदार प्रतिज्ञा सोनी के साथ वकीलों ने बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया, गलत अंदाज में बात की, उनको असभ्य भाषा प्रयोग किया गया। एक महिला के साथ ये वाक्य वकीलों द्वारा किया गया, बड़ा दुख हुआ। वकील एक सभ्य श्रेणी में आते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले वो होते हैं, उनके द्वारा ऐसी भाषा का यूज़ किया गया जिससे हर आदमी का मन आहत हो गया। स्वर्णकार समाज की एक अबला नारी जो वहाँ बिना भेदभाव के कार्य कर रही है, उसका जो व्यवहार किया गया उससे हम थोड़े पीड़ित हुए। उसके संदर्भ में मांग की गई है कि वकीलों को खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए और उचित न्याय और तरीके से बात की जाए। अगर प्रशासन इस मामले में समुचित कार्रवाई नहीं करता है तो समाज की क्या गतिविधि रहेगी? अगर प्रशासन कार्रवाई सही ढंग से नहीं करता है तो आने वाले सोमवार को हम पूरे जिले से, हर तहसील से, हर गाँव से 10-10 की संख्या में चूरू कलेक्टर के सामने पेश होंगे। एक दिन वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी नहीं होता है तो यहाँ पर एक प्रदर्शन लगातार किया जाएगा। अगर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की गई? हाँ, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने राजकीय समय में, राजकीय कार्य में जो भाषा प्रयोग किया है वो बड़े ही गलत और दुर्व्यवहार ढंग से किया गया। आपने जो शब्द मुझे